एक इंटरेस्टिंग भी और एक इस्लाम का कल्चर दिखाया गया है यहाँ से। पहले वो हॉलीवुड से शुरू होता है, फिर बॉलीवुड जाता है, फिर बॉलीवुड से यहाँ आ जाता है। एक थर्ड हैंड कल्चर प्रमोट हो रहा है। मैं इसलिए चाहता हूँ कि कुछ पता तो चले हमारे बच्चों को, नौजवानों को, कि फ़र्क क्या हमारे में, कि हमारा भी एक कल्चर है, तो उसमें भी रोमांस है, उसमें भी तारीख का हिस्सा है, लेकिन उसके अंदर अपनी इस्लाम के वैल्यूज़ दिखाए गए हैं। और बदकिस्मती से जो मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है, जो मैं देख रहा हूँ ये बॉलीवुड से एक बिल्कुल, बॉलीवुड में भी कभी आज से 30-40 साल पहले आप कभी इस तरह की फाशी नहीं देखते थे, अब वो इतना गंद आ गया है। जो मगरबी जो हॉलीवुड की जो सबसे बदतरीन चीज़ें हैं वो उन्होंने अपना ली हैं, लेकिन वो नहीं दिखाई जो कि उनकी उनके माशरे की ताकत है। तो इसका बड़ा बुरा असर हमारे बच्चों पे पड़ रहा है, और इसका बड़ा बुरा असर स्कूलों के पर पड़ रहा है। ड्रग कल्चर डेवलप हो रहा है, हमारी सेक्स क्राइम्स बढ़ रही हैं, बच्चों के खिलाफ क्राइम्स बढ़ रही हैं जब आप एक माशरे में इस तरह की फाशी फैलाते हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि एक मुख्तलिफ कल्चर दिखाया जो कि जो लोगों को बताएं कि इसके अलावा भी कोई एक तर्ज ज़िंदगी थी, एक कल्चर था, एक वैल्यूज़ थे, क्योंकि वो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है फैमिली सिस्टम को। याद रखें, माशरे के अंदर जैसी फाशी बढ़ती जाती है फैमिली सिस्टम गिरता जाता है।